ॐ ह्रीं श्री वृष्वादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामः ॐ ह्रीं श्री वृष्वादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीत्रागाय नमः ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्वीतंकराय द्वादशगण प्रवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परम आत्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्रपना मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घातिकम विनाशनाय अघातिकम विनाशनाय अस्माकम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज संघस्थ ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री दीदी एवं आज के समस्त शांति धारा रूपासी जैन प्रीतमपुरा के जन्मदिन पर परिवार की तरफ से शांति धारा नमन करता परिवार अतिन पारुल जैन दादी सुमन जैन व समस्त डेल्को रबड़ परिवार की तरफ से आज की शांति धारा श्रीमान नरेंद्र कुमार मीठालाल जी पटवारी ललिता बहन नरेंद्र कुमार पटवारी हेत नरेंद्र कुमार पटवारी अहमदाबाद परिवार की तरफ से भी आज की शांति धारा स्वर्गीय श्री शांति धारा कर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले वहां यहां उपस्थित सभी जैन परिवार से अपवायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रु भयम अस्माकं सकल दिगंबर जैन समाजस्य एवं समस्त शांति धाराकर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले वह यहाँ उपस्थित सभी जैन परिवारस्य पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा संतु सधर्म श्री बालारोग्यम ऐश्वर्यम अभिवृद्धिरस्तु सधम स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिदन्तु नः ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनाथ विद्याय नमो अरियंतानम ह्रों हर सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृति शुद्ध रोग द्रव विनाशनाय सर्वशाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः असि आउसा अरहम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु वशट स्वाहा। जैसा आप सभी को पता है विश्व का एकमात्र मंदिर श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग जहां पर गत 31 महीने से लगातार गरीब भाई बहनों को भोजन रोज करवाया जाता है, जिसमें करीब कभी 300 कभी 400 कभी 500 लोगों को रोज यहां पर भोजन करवाया जाता है। वो सब आप सभी की वजह से भारत में ही नहीं विश्व के सभी जगह से हमारे पास में भोजन में नाम आते हैं और उनके परिवार की तरफ से यहाँ पर भोजन करवाया जाता है। ये सब आप लोग हमारे साथ हैं इसी वजह से हो सकता है। उसी कड़ी में इस भाद्रपद के महीने में आज से हम दोनों समय का भोजन जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे रूपनगर हो, शक्ति नगर हो, घंटाघर हो, कमला नगर हो, किंगसुकिया कैंप हो, कमला नगर हो, जो भी आसपास के एरिया में यहाँ पर रहते हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं, IAS IPS जो बच्चे कर रहे हैं, उन सभी के शुद्ध भोजन की व्यवस्था सुबह व शाम की यहाँ पर मंदिर जी में की गई है। आप अपना नाम हमें 8800202068 पर आकाश को या ब्रिजेश को जो मंदिर में रहे आप लिखवा करके दोनों समय का भोजन यहाँ पर निशुल्क कर सकते हैं। बंधुओं कहते हैं 11 महीने हमने कोई बात नहीं कहीं भी भोजन किया कोई बात नहीं है, पर कम से कम इस महीने हमें शुद्ध भोजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये महीना हमारे जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा माह माना जाता है जिसमें कितने ही पर्व आते हैं। आप अपना नाम यहाँ पर लिखवा दें। सुबह का भोजन ठीक 11 बजे से 1 बजे तक होगा और शाम का भोजन 5:30 से 7 बजे तक यहाँ पर किया जाएगा। आप जो भी चाहें यहाँ पर आकर के निशुल्क व्यवस्था की गई है उसमें भाग लेकर के और ये पुण्य कमाएं। साथ में अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसे कहीं रहने में दिक्कत हो और यहाँ पर अगर पूजा पाठ करनी हो, उन सभी के रहने की व्यवस्था भी ऐसे 10-15 बच्चों की यहाँ पर जो कमरे बने हैं
उसके अंदर हमने की है। आप यहाँ आकर के रह सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, सभी तरह की सुविधाएं आपको यहाँ संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग में मिलेगी। आप निसंकोच जो भी बाहर से भाई बहन आ रहे हैं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं जिनवानी चैनल के माध्यम से, आप निशुल्क यहाँ पर भोजन करके इस पुण्य लाभ को अवश्य कमाएं। ये केवल और केवल जो बाहर से बच्चे आए हैं, बाहर से कोई परिवार आता है, केवल ये सुविधा उन्हीं के लिए है, लोकल लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। आप सभी लोग इसमें जरूर जरूर भाग लेकर के इस पुण्य को अर्जित करें। यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा कार्य, जैसा अभी 60 से 70 भाई बहनों को मेडिकल सेंटर में देखा जाता है, आने वाले इसी महीने के 28 अगस्त रविवार को यहाँ पर ब्लड सैंपल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लिया जाएगा, जिसकी बहुत ही कम राशि रखी जाएगी और वो CRL लैब से हम उसका टेस्टिंग करवा के शाम को आपको रिपोर्ट दी जाएगी। जब हमारा हॉस्पिटल बनेगा ये कार्य हम खुद करेंगे, पर अभी हमारा हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ है, इस वजह से ये कार्य हम आने वाली 28 अगस्त को आप सभी के समक्ष करेंगे और यहाँ पर सैंपल लेकर के शाम को आपको इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। ये कार्य आने वाली 28 अगस्त से यहाँ पर शुरू होगा। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा जो कि 6 व 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक समस्त भारत से जा रही है, कल हमारे पास में आचार्य भगवान के 3 शिष्य जो एलोरा में मेरे ख्याल में चतुर्मास कर रहे हैं, उनके यहाँ से हमारे पास मैसेज आया है कि करीब 110 भाई बहन ऐसे किसान भाई बहन हैं जो कभी सम्मेद शिखर जी की यात्रा जिन्होंने नहीं की है, पैसा उनके पास में नहीं है, कोई भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से उन 110 व्यक्तियों की लिस्ट हमारे पास कल रात को आई है, भेजना चाहे अपने परिवार की तरफ से, एक व्यक्ति की राशि मात्र 3500 रुपए की दे करके आप 51 लोगों को, 21 लोगों को, 31 लोगों को, जितनी आपकी क्षमता हो, हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि जो सम्मेद शिखर जी हमारा जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां पर भेज करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमा लेना। आप जा सके ना जा सके कोई बात नहीं है, अगर आपने किसी को अपने द्रव्य से, अपनी चंचला लक्ष्मी से भेज दिया तो शायद इससे बड़ा पुण्य कार्य नहीं हो सकता है। कल रात को हमारे पास में एक भाई संजय भाई का फोन आया था, उनके परिवार की तरफ से भी वो आज बताएंगे कि कितने लोगों को वहां से निशुल्क लेके जाना है। हमारी इच्छा है कि ऐसे भाई बहन जिन्होंने आज तक श्री सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं किए हो, नहीं गए हो, पैसे के अभाव में नहीं गए हो, ऐसे यात्रियों को ले जाना ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम अकेले इस यात्रा में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सभी लोग सहयोग करके और इसमें भी हमारा साथ दे करके ये कार्य अवश्य करें। इस बार की तीर्थ यात्रा में जैसा आप सभी को पता है करीब 31 डॉक्टरों की टीम हम श्री सम्मेद शिखर जी लेकर के जाएंगे, जो 8, 9 और 10 अक्टूबर को करीब 10,000 लोगों को वहां पर चेकअप करेगी, दवाइयां निशुल्क देगी, ये सब भी आप सभी के सहयोग से होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस कार्य में भी जो भी हिस्सा लेना चाहे हिस्सा लेकर के आने वाली 8, 9, 10 अक्टूबर को जो श्री सम्मेद शिखर जी से जिसका सीधा प्रसारण आप सभी देखेंगे, आप सभी के समक्ष वहां से भी किया जाएगा। बंधुओं जैसा आपको पता है आने वाले 10 लक्षण जी में हम सभी लोग मिलकर के नवनिर्मित हॉल में पूजन करेंगे और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मंदिर का निर्माण भी बहुत जल्दी से जिस तरह हुआ है उसी तरीके से बाकी काम भी यहाँ पर होना है। आप अपने परिवार की तरफ से इसमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख दे करके इस पुण्य को भी अवश्य कमा लेना, क्योंकि ये इस महीने में दिया हुआ दान आपको 100 गुना दान लगता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी परिवार जिसकी जितनी शक्ति हो दे करके इस पुण्य लाभ को भी लेवे। जय जिनेन। मैं पवन जैन गोधा, श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली।